हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के एक न्यू थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसका नाम आइंस्टीन बॉक्स है। तो क्या आप जानते हैं कि 1930 के अराउंड जब क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस हुई, तो एल्बर्ट आइंस्टीन, हाइजनबर्ग और नील्स बोर ने अपने अपने विचार दिए क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। जैसे कि आइंस्टीन ने मानते थे कि एवरीथिंग इज़ प्री डिटरमिनेटिक, मीन्स आप जो भी कर लो, आपके साथ जो होगा वह पहले से ही डिसाइड होगा। इसी बात को अपोज करते हुए नील्स बोर ने बताया कि मान लीजिए कि एक क्वांटम पार्टिकल में बहुत स्पिन्स एक साथ ही हो रही है और एक ही टाइम पर होती है, पर जब हम मेज़र करते हैं तो अप और डाउन स्पिन में से एक कोलैप्स हो जाती है और एक ही बचती है। इसके लिए श्रोडिंगर कैट नाम की एक एक्सपेरिमेंट भी किया, और अभी भी आइंस्टीन बोर और श्रोडिंगर पर बिलीव नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि एक ही स्पिन होता है और वह भी प्री डिटरमिनिस्टिक होता है। इसी बात को समझाने के लिए आइंस्टीन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट भी किया और कहा कि मान लीजिए कि मैं एक वेट करने की मशीन लेता हूँ और वह भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, और इसके ऊपर मैं एक बॉक्स रखता हूँ और उस बॉक्स में मैं एक होल बनाता हूँ। इस बॉक्स को इस तरीके से डिजाइन करता हूँ कि एक बार में एक ही फोटोन बाहर आ सकता है, और बाहर एक डिटेक्टर भी लगा रखा है, जैसे ही फोटोन बाहर आएगा मुझे पता चल जाएगा। और अब इस बॉक्स का वेट ओमेगा है और पहले वाले बॉक्स का वेट ओमेगा डैश मान लेते हैं। ओमेगा डैश माइनस ओमेगा इजिक्वल्स टू ओमेगा नॉट फोटोन का मास होगा। फिर आइंस्टीन ने बोला कि मैं मेरे फॉर्मूले से इजिक्वल्स टू एमसी स्क्वायर से एनर्जी एक्यूरेट निकाल लूँगा, तो मोमेंटम भी बता दूंगा इससे मैं, और पोजीशन तो डिटेक्टर से पहले ही पता चल जाएगी। तो बोर ने बोला कि पहले ऐसी मशीन बनाओ जो एक्यूरेट मेजर कर सके, फिर बात करना। और बोर की लाइफ के अंतिम समय में उनके बोर्ड के ऊपर आइंस्टीन बॉक्स का डायग्राम बना हुआ था। इसका मतलब यह था कि बोर भी मानते थे कि आइंस्टीन बॉक्स सही हो सकता है, बट ये तो बस एक थ्योरी ही है। तो इसका रिजल्ट यह था कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, वह मानते थे कि एवरीथिंग इज़ प्री डिटरमिनिस्टिक, मीन्स अपने फ्यूचर में पहले से ही होने वाला है, वो सब कुछ फिक्स है आइंस्टीन के। ये तो वैदिक टाइम वाली ही बातें हो गई, पर कुछ साइंटिस्ट इससे एग्री नहीं करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी कारण आइंस्टीन की इस थ्योरी को नकार दिया गया, और इसके कुछ समय बाद मल्टी यूनिवर्स थ्योरी आई, जिसने आइंस्टीन की एसटीआर मींस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर क्वेश्चन खड़े कर दिए। इससे बचने के लिए आइंस्टीन ने क्वांटम मैकेनिक्स से ही दूर होने का फैसला कर लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये थ्योरी कैसी लगी, लाइक कमेंट एंड शेयर करके बताएं। थैंक